अगर आप रेस्टोरेंट, नमकीन शॉप या स्वीट शॉप के लिए बिल मशीन ढूंढ रहे हैं, प्राइस वाइज, क्वांटिटी वाइज, अमाउंट वाइज बिलिंग के लिए, तो ये NGX का NVP 300 मशीन है। इसमें 7 लाइन का डिस्प्ले आएगा, 3 इंच का प्रिंटर आएगा, प्लस और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी फंक्शन के लिए। लेकिन इसमें बिलिंग आप कैसे करेंगे? जैसे सपोज अभी हमने इसमें फीड कर रखा है एक नंबर पे काजू कतली। अब काजू कतली को हम एंटर कर रहे हैं, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि इसको अगर हमें 1.5 किलो देना है, 1.5 kg देना है तो कैसे देंगे? 1.5 कर देंगे। 1.5 किया, 900 रुपये के हिसाब से 1350 रुपये हुआ, और यहाँ पर देखिए अभी पंच नहीं हुआ। जैसे ही एंटर कर देंगे तो यहाँ पर पंच हो गया। इसी बिल पर हम दूसरा आइटम फीड कर सकते हैं, तीसरा आइटम फीड कर सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज 4 नंबर किया, एंटर करेंगे, क्वांटिटी डालेंगे, एंटर करेंगे, ये टोटल यहाँ पे शो होता रहेगा 1724। एंटर करेंगे, केवल एक ही ऐसा मशीन है जिसमें शो होता है कि कौन सा आइटम कितनी क्वांटिटी के हिसाब से जा रहा है। एंटर करेंगे तो ये बिल हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा, ये क्वांटिटी वाइज बिलिंग कैसे होगा। अब आपका एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे सपोज काजू कतली हमारा 900 रुपये है, अगर हमें 1000 रुपये के हिसाब से देना है कैसे देंगे? फीड करने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है, हम लोग दे सकते हैं। कैसे? जैसे सपोज़ एक नंबर करेंगे, काजू कतली आया, अब हमें कितना देना है? सपोज 1.5 किलो ही देना है, 1.5 कर दिया। यहीं पे आपको F3 वाला बटन मिलेगा और यहाँ से आप जो भी अमाउंट फीड करना है, 1000 रुपये कर दिया, एंटर करेंगे, 1500 रुपये हो गया। एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। एंटर करेंगे तो ये बिल हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कैसा? प्राइस वाइज बिलिंग। अब अमाउंट वाइज बिलिंग, जैसे सपोज हमने काजू कतली 900 रुपये फीड कर रखा है, किसी को आपको 800 रुपये का देना है, मशीन अपने आप कैलकुलेट करे कि कितना क्वांटिटी हुआ। जैसे पेट्रोल पंप पे आप भरवाने जाते हैं तो आप बोलते हैं 200 रुपये, मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेता है कि 108 रुपये 50 पैसे के हिसाब से कितना क्वांटिटी हुआ। सेम कैसे होगा? जैसे सपोज एक नंबर काजू कतली करेंगे, एंटर करेंगे, यहीं पर आपको 0 करके एंटर करना है। हमने किया, अब आपको क्या करना है? 800 रुपये के देने हैं, क्योंकि एंटर अमाउंट आ गया 800 रुपये। एंटर करेंगे, मशीन अपने आप कैलकुलेट कर लेगा। जैसे ही एंटर करेंगे यहाँ पे देखेंगे 0.888, एंटर करेंगे ये आपका प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे रेस्टोरेंट का नेम आएगा, एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, डेट, टाइम, बिल नंबर, सारी की सारी चीज़ें आएंगी। काजू कतली 0.888, 900 रुपये के हिसाब से 800 रुपये का जा रहा है। आपका एक क्वेश्चन आएगा, शाम को समरी कैसे आएगी? इजी है, यहीं पे एस्केप वाला बटन करेंगे, 5 नंबर में आपको रिपोर्ट शो हो रहा है, प्लस और भी वीडियोस मिलेंगे इस मशीन के, आइटम वाइज रिपोर्ट आज का। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, ये आपका रिपोर्ट आ जाएगा। ऐसे करके रिपोर्ट आएगा। प्लस एक चीज़ और, आपका एक क्वेश्चन आएगा कि क्या हम आइटम सर्च कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं। कैसे? जैसे डाउन एरो की करेंगे, अब इसमें देखिए काजू कतली के से बहुत सारे आइटम है, यहीं पे हम के कर देंगे और ISEL वाला बटन करेंगे, के से जितने भी आइटम है यहाँ पे आपके शो हो जाएंगे, कर्सर आपका शो होता रहेगा। डाउन एरो की, अप एरो की करके हम वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमें खारी करना है, हमने ये खारी सेलेक्ट कर लिया, एंटर किया, जो भी आपको क्वान्टिटी देनी है, सपोज 5 क्वान्टिटी देनी है, दूसरा वो वाला कोई आइटम देना है, तीसरा वाला कोई आइटम देना है, तो ऐसे करके हम बिलिंग करके एंटर करेंगे, एंटर करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। आपने अगर चैनल को नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन इतना स्पेसिफिक वीडियोस कि क्वांटिटी वाइज, प्राइस वाइज, अमाउंट वाइज कैसे बिलिंग करेंगे, हमारे ही चैनल में मिलेंगे। जस्ट सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर किसी को ज़रूरत लगती है ऐसे फंक्शन की, ऐसे प्रोडक्ट की, तो वो मशीन भी परचेज कर सकते हैं। जस्ट हमारी टीम का नंबर मिलेगा, वहाँ पे पिंग करिए। अगर आपको कुछ इशू आ रहा है, आपने मशीन कहीं और से ले ली है, तो सर्विस चार्ज देने के लिए रेडी हो जाइए, क्योंकि हम पैसे से ही पैसा कमाएंगे। तो टीम को पिंग करिए, वो एक सर्विस चार्ज देंगे, आपका समस्या का समाधान कर देंगे। वैसे बहरहाल आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए, हमारी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।